ये टॉम है और मैं जेरी हूँ, है ना मम्मा, और अभी टॉम एंड जेरी है ना, कौन है टॉम एंड जेरी, मेरा लाडला है, गंदा वाला लाडला, अभी लग रही मम्मा को। और अभी आप क्या लेके आए हैं, क्या खाएंगे? ये लेके आए हैं ये लिटिल हार्ट, लिटिल हार्ट, ये मुझे बहुत पसंद आई, अभी मेरे लिए लेके आए थे, तो अभी इसको सारा मैं खाऊंगी या आप भी खाएंगे? सिर्फ मैं खाऊंगी। क्यों आप मेरे लिए? तो फ्रेंड्स अभी शाम का टाइम हो गया है और अभी आज हम बनाने वाले हैं पाव भाजी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और बताना आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मैं बहुत ही इजी तरीका बताती हूँ पाव भाजी बनाने का। तो देखिए हमने कढ़ाई में तेल को गरम करेंगे और यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ ली, जैसे थोड़ा मेरे पास गोभी रखा था, थोड़ा पत्ता गोभी था, आलू और जो भी थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ बची थी सभी को मैंने मिक्स करके पाव भाजी बनाने वाली हूँ। और मैंने उबलने के लिए सभी सब्जियाँ रख दी, यहाँ मैंने मटर को भी छील लिया है। और अब हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, उसमें हमने प्याज डालेंगे, प्याज को हमने काट के रखा है, सारी तैयारियाँ हमने कर ली हैं, जो जो सब्जियाँ हमारे घर में बच जाती हैं थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ, तो उन्हीं की मैं पाव भाजी बना रही हूँ, मतलब भाजी बना रही हूँ। तो तेल में अब हम प्याज डालेंगे, प्याज और हरी मिर्चा दोनों को मैंने साथ में बारीक किया है और डाल के इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे। सभी सब्जियों को अगर हम उबाल लेते हैं तो बहुत ही जल्दी भाजी बन के तैयार हो जाती है, और अगर हम ऐसे सीधा पकने कढ़ाई में ही पकते तो बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ मैंने टमाटर लिए, इनकी मैं टमाटर प्यूरी बना लेती हूँ, तब तक प्याज भी भुन रहा है और हम टमाटर प्यूरी बना लेते हैं। मटर को हमने उबलने के लिए नहीं रखा है, यहाँ पर सभी सब्जियाँ उबल रही हैं, देखिए उबल गई है सब्जियाँ, आलू और इसमें गाजर भी डाली थी मैंने, गाजर थी थोड़ी थोड़ी, शिमला मिर्च थी, मतलब जो भी सब्जी हमारे पास बच गई थी वो सब मैंने इसमें डाल दी हैं। और इसको अब हम ये भाजी जो मैश करने वाला होता है ना, उससे हम इसको अच्छे से इस तरह से मैश कर लेंगे, जिससे सब्जियाँ बिल्कुल बारीक हो जाएंगी। गाजर और शिमला मिर्च भी थी मेरे पास, वो भी मैंने डाल दी, देखिए बिल्कुल बारीक हो गई है, प्याज भी हमारा भुन गया है। और पहले मसाला तैयार कर लेंगे, अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे, टमाटर प्यूरी जो हमने बनाई थी वो डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह होता है कभी कभी, थोड़ी थोड़ी सब्जियां बच जाती हैं और हमें समझ नहीं आता कि क्या करें, और मिक्स वेज खाने का भी मन नहीं करता, तो आप भाजी बनाइए खाइए, सभी लोग बहुत चाव से खाते हैं। अब हम मसाले ऐड करेंगे, धनिया पाउडर सॉरी हल्दी पाउडर, थोड़े थोड़े मसाले डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, और पाव भाजी मसाला डालेंगे। यहाँ पर मैंने सूखा धनिया नहीं डाला है, क्योंकि सूखा धनिया मैंने भाजी मसाला डाली तो सूखा धनिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और नमक डाल दिया है और थोड़ी इसमें लाल मिर्च डालेंगे, जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा, कश्मीरी लाल मिर्च है तो आप वो डालिए, नहीं तो आप लाल मिर्च ही डाल दीजिए, उससे भी कलर अच्छा आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट, अगर आपके पास जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं है तो आप अदरक और लहसुन को पीस लीजिए, तो आपका जिंजर गार्लिक पेस्ट तैयार है, वो डाल दीजिए। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और पहले मसाले को अच्छे से भून लेंगे। देखिए मसाले ने पूरा तेल छोड़ दिया है और जो हमने सब्जी उबाल के रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मटर को हमने उबलने के लिए रख दिया, देख रहे हैं आप भगोने में मैंने मटर को उबलने के लिए रख दिया, जब तक मटर उबल रही है तब तक यहाँ पर सब्जियाँ ये मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, जो इसका पानी है सभी सुखा लेंगे, पानी को हम बराबर चलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में, और पूरा इसको अच्छे से भून लेंगे कि जो सब्जी हमने डाली है वो भी तेल छोड़ दे। अभी पानी है, दो और पकाएंगे। तो देखिए सब्जियाँ कितनी अच्छे से पूरा पक गई हैं और मटर भी उबल गई है, अब हम इसमें मटर को डाल देंगे। मटर को हम पहले नहीं उबालेंगे साथ में, क्योंकि मटर भी मैश हो जाएगी, फिर पता नहीं चलेगी, तो मटर को हम बाद में डाल लेंगे, जिससे मटर दिखेगी तो बहुत अच्छी लगेगी भाजी। तो इस तरह से अब हम इसको और भी भूनेंगे, अभी और भी पानी अलग हो रहा है, भाजी अलग हो रही है, तो अभी हम इसको और भूनेंगे। यहाँ पर हमने पाव को भी मंगा लिया है, तो पाव को जब तक हम कट करते हैं और यहाँ पर भाजी पक रही है तब तक हम पाव को कट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं
पानी जितना था सूख गया है, कितनी थोड़ी रह गई है भाजी। अच्छे से पूरा भून लिया मैंने, ऊपर से डाला हरा धनिया। भाजी बनके तैयार है। अब हम भाजी को साइड में करते हैं, मतलब दूसरी गैस पे करते हैं, और इधर हम नॉन स्टिक पैन तवाते हैं और इस पर बटर डालते हैं और पाव को सेक लेते हैं। ये बटर में ही अच्छा लगता है। और पाव को रखेंगे इस तरह से हम और इसको सेक लेंगे। और अगर आप इसके ऊपर हरा धनिया डालेंगे और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डालिए, बहुत अच्छा लगता है। जैसे पाव सेकते हैं उसी के ऊपर थोड़ा सा छिड़क पाव भाजी मसाला छिड़क देते हैं और धनिया, हरा धनिया कटा हुआ छिड़क देते हैं, मतलब डाल देते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं पाव भाजी मसाला डालना भूल गई थी, मैंने सिर्फ हरा धनिया ही डाला है, पाव भाजी मसाला डालना मैं भूल गई थी। तो आप लोग बनाना तो आप लोग ज़रूर डालना। और खाना पीना बनाने के बाद किचन की हालत क्या हो जाती है आप लोग देख सकते हैं, मेरी गैस की हालत क्या हो गई। तो पाव भाजी को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है, प्याज भी काट लिया है, साथ में नींबू और भाजी के ऊपर डाला है बटर। पाव भाजी बनके तैयार है, गर्म गर्म खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। खास तौर से सर्दियों में पाव भाजी खाने का मज़ा ही अलग है। तो हम लोगों ने खाना पीना हो गया हम लोग का। अब मैं खेल रही हूँ अभी किस, यहाँ पर 9:30 बज रहे हैं, घड़ी पीछे आप देख सकते हैं ना, रात के 9:30 हो रहा है, मैं अभी के साथ खेल रही हूँ। तो देखिएगा पूरा वीडियो, मैं अभी के साथ कौन कौन से गेम खेल रही हूँ, चिड़िया और कबूतर उड़ यही सब खेलती हूँ मैं अभी के साथ। तो देखिएगा वीडियो को पूरा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कौन आते बन गए।